जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कोठारी इंस्टीट्यूट। मैं रोहित सिंह, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के ऑडियो सेशन में। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश जारी किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में यह आदेश जारी किया गया है कि 26 जनवरी से सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ हर दिन सुबह की प्रार्थना के बाद किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि प्रस्तावना का पाठ संविधान की संप्रभुता, सबका कल्याण अभियान का हिस्सा है। 26 जनवरी 1949 को हमारे देश के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस राज्य की नगर पालिका चुनाव के फेस रिकग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा नगर पालिका चुनाव के दौरान चेहरा पहचानने वाले मोबाइल ऐप फेस रिकग्निशन ऐप का उपयोग किए जाने की घोषणा की गई है। इसका इस्तेमाल 10 चयनित पोलिंग स्टेशन पर पायलट प्रोजेक्ट पर किया जाएगा। यदि इसका कोई नकारात्मक परिणाम सामने आता है तो मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं होगा और इसके बाद भी वोटर का डाटा डिलीट कर दिया जाएगा। चयनित स्थानों को छोड़कर मतदाताओं को प्रामाणिकता जांचने के लिए पुराने तरीके का ही इस्तेमाल किया जाएगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर JLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में हैदराबाद ने पहला स्थान प्राप्त किया। यह सूचकांक अमेरिका की रियल इस्टेट कंपनी चौंग लैंग्स लॉसेल द्वारा जारी किया गया। हैदराबाद ने सामाजिक आर्थिक विकास जैसे मानदंडों पर विश्व के किसी भी अन्य शहर से बेहतर स्कोर अर्जित किया। विश्व के 20 डायनामिक शहरों की सूची में भारत के 4 शहरों को जगह मिली। इस सूची में बेंगलोर दूसरे स्थान पर जबकि चेन्नई को 5वां, दिल्ली को 6ठा स्थान मिला। इस सूची में विश्व भर के कुल 129 शहरों को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, विधि मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को भारत की व्यतिकारी राज्य क्षेत्र यानी रेसिप्रोक्रेटिंग टेरिटरी घोषित कर दिया? ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, मलेशिया, UAE। तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। व्यधिकारी राज्य क्षेत्र रेसिप्रोक्रेटिंग टेरिटरी घोषित किए जाने पर दोनों देशों के न्यायालयों के निर्णय उस देश या क्षेत्र पर पारस्परिक रूप से लागू होते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के सूचीबद्ध न्यायालयों के निर्णय भारत में भी वैसे ही लागू होंगे जैसे भारत के स्थानीय अदालतों के निर्णय लागू होते हैं। जो लोग देश से आर्थिक गबन या अन्य अपराध करके UAE में चले गए उन पर मुकदमा चलाए जाने में यह निर्णय सहायक साबित होगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और ये हरमूज की खाड़ी के पास स्थित एक अरेबियन पेनिनसुला का देश है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना पहली बार सिखों की गणना के लिए अलग जाति समूह के तौर पर की जाएगी? ऑप्शन अमेरिका, नेपाल, चीन, रूस। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन में भी सिखों ने अलग जाति समूह के रूप में शामिल किए जाने की मांग की है। नवंबर 19 में ब्रिटेन में सिख समुदाय सरकार के खिलाफ न्यायालय में शरण में गया क्योंकि उन्हें एक अलग जाति समूह के रूप में पहचान नहीं दी गई। अमेरिकी जनसंख्या में सिखों के शामिल होने से अमेरिका में सिखों की सटीक जनसंख्या सुनिश्चित की जा सकेगी। अमेरिकी सरकार में सिखों का समान और सटीक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है? ऑप्शन है पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस केंद्रीय कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है और राज्य की पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप करता है जो कि असंवैधानिक है। यह दूसरा उदाहरण है कि जब किसी राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक केंद्रीय कानून को चुनौती देने की मांग की है। इसके पहले केरल सरकार ने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत 2019 में FDI के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है? ऑप्शन है अंकटाड, यूनिसेफ, WEF, UN। इसका सही जवाब है अंकटाड। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा।
इस अवधि के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। अंगटाट की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी और ये एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों के 12 राज्यों से कुल कितने बच्चों को चुना है? ऑप्शन है 22, 30, 40, 10। तो इसका सही जवाब है 22। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 के लिए 12 राज्यों से 10 लड़कियों और 12 लड़कों सहित कुल 22 बच्चों को चुना गया है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के प्रत्येक साल 26 जनवरी को बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने साल 1957 में यह पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और नकद राशि दी जाती है। सभी बच्चों के विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 26 जनवरी के दिन ही ये बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होते हैं। क्वेश्चन 9वां, भारतीय शूटर दिव्यांग सिंह ने मैटन कप 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन है रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार ने ऑस्ट्रिया में आयोजित निजी टूर्नामेंट मैटन कप में गोल्ड मेडल हासिल किया। दिव्यांश ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 249.7 अंक के साथ स्वर्ण हासिल किया। इस पदक के साथ पुरुष वर्ग में दीपक कुमार 228 अंक और महिला वर्ग में अंजुम मोदगिल 229 ने कांस्य पदक हासिल किए। मैटन कप निजी टूर्नामेंट है जहाँ निशानेबाज अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने के लिए अपने खर्चे पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ESICS में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तक किस पैरालंपियन को शामिल किया गया? ऑप्शन है दीपा मलिक, सविता पुनिया, शरद कुमार, अंकुर थामा। इसका सही जवाब है दीपा मलिक। भारतीय खेल परिषद AICS खेल मंत्रालय की सलाहकार संस्था। इस संस्था का गठन वर्ष साल 2015 में तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। इसका कार्यकाल 3 साल तक बढ़ा दिया गया और यह अनुभवी खेल प्रशासक विजय कुमार मल्होत्रा इसके अध्यक्ष बने रहे। AICS ने जिन अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया गया उनमें पूर्व निशानेबाज अंजलि भागवत, फुटबॉलर रणदीप सिंह, पर्वतारोही बहेंद्र पाल भी शामिल है। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को भी परिषद में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।